कल के लेक्चर तक हमने क्या कर लिया था, एंगुलर एक्सेलरेशन देख लिया था, है ना। अब हमारे पढ़ने का पैटर्न जो था वो इस तरह से था कि पहले हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से चैप्टर हमने कंसीडर किया था, क्या मोशन इन वन डायमेंशन। अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, फिर वेलोसिटी पढ़ा था, फिर एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो यहां भी पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। साथ ही साथ हम एक काम और कर रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन भी देख रहे हैं। तो कल जाने से पहले हमने एंगुलर एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्या कर लिया था, ऑलरेडी देख लिया था। अब हमें क्या करना है, देखना है इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो पहले आराम से समझ लो, उसके बाद क्या करना, नोट कर लेना। हमने एक फॉर्मूला क्या किया हुआ, लिखा हुआ है, और फॉर्मूला है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, राइट। ये फॉर्मूला सीखा हुआ है हमने कि v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब अगर मैं इनको वेक्टर के फॉर्म में क्या करूं, लूं और बात करूं एक सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या हो सकता है, बदल सकता है। अगर ओमेगा बदल रहा है तो ओमेगा का क्या बदलेगा, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड। क्योंकि बेटा ये एक एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन तब चेंज होगा जब ये क्लॉकवाइज घूमना छोड़ के कैसा घूमना शुरू कर दे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये मान के चलेंगे कि क्लॉकवाइज ही कभी धीरे घूम रहा है, कभी तेज घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो क्या चेंज होगा इसका, मैग्नीट्यूड। फिर हम बात कर रहे हैं आर वेक्टर की, राइट, बात कर रहे हैं हम आर वेक्टर की। तो रेडियस वेक्टर की अगर हम क्या करें, बात करें, तो क्या चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन। क्योंकि अगर एक पार्टिकल घूमा तो जैसे ही वो घूमेगा वैसे ही उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एज अ वेक्टर इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब किसी वेक्टर का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, चाहे दोनों चेंज हो, वो वेक्टर तो बदल गया। और अगर वो वेक्टर बदल गया तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने यहां लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसको टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला डीवी बाई डी टी एंड राइट हैंड साइड में मिला डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब ओमेगा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। ओमेगा बदल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, आर बदल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, तो दोनों वेरिएबल हो गए। अब दो दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, याद करो यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या रहा है, यू इंटू वी का फॉर्मूला, एक को कॉन्स्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को कॉन्स्टेंट मानते हैं और पहले को डिफरेंशिएट करते थे। तो u और v को डिफरेंशिएट करते थे, मान लो किसी भी थर्ड फंक्शन x, y या t के रिस्पेक्ट में, तो लिखते थे u dv by dt plus v du by dt, यही लिखा जाता था। तो यहां भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे, राइट। इसे हम लिखेंगे, पहले मान लो इसको हमने क्या कर लिया, कॉन्स्टेंट माना, तो हम लिखेंगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर बाई dt प्लस इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसे कॉन्स्टेंट मानेंगे, हम लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट है, सिक्वेंस नहीं बदल सकते, इसलिए हमने यहां पे आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी नहीं लिखा, डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, सिक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, सिक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लिखा हुआ है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी को हम लिखेंगे क्या, एक्सेलरेशन। ये आ रहा है ओमेगा वेक्टर, जिस रेट से रेडियस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी, तो रेडियस का डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे ही क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे, वेलोसिटी वेक्टर से। इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लिख दिया वेलोसिटी वेक्टर प्लस डी ओमेगा बाई डी टी को कल हमने क्या किया, सीखा है क्या, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस आर वेक्टर। अब यहां पे मुझे क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, मुझे ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये पूरा भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, प्लस ये पूरा भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए।
ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अगर ये कंप्लीट प्रोडक्ट इस पूरे के साथ ऐड हो रहा है, मतलब इनके डायमेंशंस क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। हमने ये ऑलरेडी यूनिटी डायमेंशन में सीख लिया है कि सिमिलर डायमेंशन वाली चीजें ही क्या कर सकती हैं, आपस में जुड़ सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूं कि अगर कहीं पे s is equal to ut plus half at square लिखा हुआ है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इस पूरे का और वही डायमेंशन इस पूरे का। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली चीज तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, राइट करेक्ट कहलाएगा। दूसरा, ये पूरा इसके साथ ऐड हो रहा है, मतलब इनका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां से मेरे दिमाग में आया कि अगर ये कंप्लीट दैट इज ओमेगा क्रॉस वी इस पूरे के साथ दैट इज अल्फा क्रॉस आर के साथ ऐड हो रहा है, मतलब इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन के जैसा, राइट, एक्सेलरेशन के जैसा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हो ना हो ये अपने आप में किसी टाइप का लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर इसको मैं यूनिट लिखूंगा तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो LT माइनस 2 होगा, पर वो है किस टाइप का एक्सेलरेशन वो मुझे क्या करना है, पता करना है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी अपने आप में कंप्लीट क्या होगा, एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा, पर किस टाइप का लीनियर एक्सेलरेशन है वो मुझे क्या करना है, पता करना है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, यहां पे मुझे ओमेगा दिख रहा है, वी दिख रहा है, मुझे ओमेगा का भी डायरेक्शन पता है, मुझे वी का भी डायरेक्शन पता है, क्यों ना इसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके डायरेक्शन के बेसिस पे इसका नामकरण कर दिया जाए। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है उसका हम नामकरण कर रहे हैं उसके डायरेक्शन के बेसिस पे, और डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न को हम यहां भी फॉलो कर सकते हैं, राइट, हमारे पास अल्फा है, हमारे पास आर है, हमें दोनों का डायरेक्शन पता है, तो इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसी रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बेसिस पे इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ओमेगा क्रॉस वी को देखा, सबसे पहले हमने उठाया ओमेगा क्रॉस वी, और ओमेगा क्रॉस वी करके रिजल्टेंट का क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। अब उसके लिए मोशन या तो मुझे क्लॉकवाइज या तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, या तो मुझे क्लॉकवाइज मोशन या तो एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। एक में क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एक में एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि यहां पर जो हम मोशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोशन लिया तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, राइट, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, एक्सियल वेक्टर, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आउटवर्ड। अब मुझे क्या करना है, वी का डायरेक्शन देखना है, तो लेट्स से मैंने बोला कि इस पॉइंट पे हम वी का डायरेक्शन देखें, तो ये हो जाएगा वी का डायरेक्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी कल सीखा हुआ है कि वी का डायरेक्शन निकालते कैसे, टेंजेंशियल। अब बताओ बेटा देखो, ये है हमारा ओमेगा और ये डायरेक्शन आ रहा है किसका, वी का, ओमेगा क्रॉस वी करके देखो कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ओमेगा क्रॉस वी करके देखो कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। ये हो गया ओमेगा, ये हो गया वी, रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर, डाउनवर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट बोला था कि रिवाइज करके आ जाना है, तो ये डायरेक्शन है किसका, राइट, ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ओमेगा क्रॉस वी, यह आया कैसा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल घूमते 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 यहां आ गया, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं कि रिजल्टिंग डायरेक्शन कैसा आ रहा है, तो वी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ओमेगा इस तरह से है और वी का डायरेक्शन इस तरह से, अब वेरीफाई करो ओमेगा क्रॉस वी का डायरेक्शन क्या आ रहा है, किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा ओमेगा, ये नीचे की तरफ वी है, ये आ रहा है इधर राइट हैंड साइड, तो जो डायरेक्शन आया वो इधर आया, रिजल्टेंट डायरेक्शन। मैंने सोचा और वेरीफाई कर लेते हैं, लेट से इस पॉइंट के लिए हम चेक करें, तो ये हो जाएगा किसका डायरेक्शन, वी का, तो ये है ओमेगा और ये है वी, ओमेगा क्रॉस वी करके देखो जरा, डायरेक्शन रिजल्टेंट किधर आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर तुम पैटर्न देखो तो जो रिजल्टेंट है वो बार बार आ रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, जो डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, तो ऐसे डायरेक्शन को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और सिंस ये पूरा अपने आप में एक तरीके का एक्सेलरेशन होना चाहिए, इसके डायरेक्शन के बेसिस पे हमने इसका नाम रख दिया सेंट्रीपिटल
एक्सीलरेशन, राइट। हमने इसका नाम रख दिया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, और हमें फॉर्मूला मिला, राइट, हमें फॉर्मूला मिला एसी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमने क्या किया, इसका नाम लिखा। सिंस वो डायरेक्शन बार बार आ रहा था किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, हमने नाम रख दिया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसी तरह से मेरे पास एक और एक्सीलरेशन है, एक और एक्सीलरेशन है, इसका नाम भी हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन के बेसिस पे ही रखेंगे, इसका नाम भी हम डायरेक्शन के बेसिस पे रखेंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया सेकंड केस, अल्फा क्रॉस आर, राइट, अल्फा क्रॉस आर। मान लो यहां पे मैंने क्या कर लिया, मोशन ले लिया, कैसा, क्लॉकवाइज, लेट्स से क्लॉकवाइज मोशन ले लिया। अगर क्लॉकवाइज मोशन लिया हुआ है तो अल्फा का डायरेक्शन कैसा होगा, राइट, इनवर्ड या क्रॉस, ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, अल्फा का। अब मुझे जानना है कि अल्फा क्रॉस आर करने से जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो उसके लिए मान लिया मैंने कि यहां पे हम क्या, लेट्स से यहां पे हमें निकालना है, तो यहां पे आर का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा। तो ये है बेटा अल्फा, ये डायरेक्शन है किसका, आर का। चेक करो जरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, राइट, अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो रिजल्टेंट आ रहा है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो हम कह रहे हैं ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ अल्फा क्रॉस आर। इसको और वेरीफाई करने के लिए मैंने दो तीन पॉइंट और उठा लिए। मान लो यहां पे मुझे निकालना है, तो यहां पे आर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया आर। चेक करो किधर आ रहा है, ये आ रहा है किधर, लेफ्ट हैंड साइड, ये आया इस तरह से। मैंने एक आध पॉइंट और उठा लिया, मैंने बोला लेट्स से इस पॉइंट पे चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन मेरा किसका, आर का। तो ये है अल्फा, ये है आर, राइट। अल्फा क्रॉस आर करने से किधर आ रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने तुमको ऑलरेडी बोल दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे कि जितना तुमको क्या करना है सीखना सीख लो उस टाइम पे, बाद में मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में अलग कॉन्सेप्ट सीखने का क्या है हमारे पास टाइम वो रहेगा, दूसरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का टाइम नहीं रहेगा, इसी पे क्या करना है फोकस करना है। अब जब मैं अल्फा क्रॉस आर करके रिजल्टेंट का डायरेक्शन ले रहा, तो इस तरह का डायरेक्शन कहलाता है टेंजेंशियल, क्योंकि ये आ रहा है क्या, अलोंग द टेंजेंट। तो इसका नाम हमने क्या कर दिया, रख दिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसका नाम रख दिया हमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो दो टाइप के एक्सीलरेशन हमें यहां पे मिले हैं, एक मिला है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और दूसरा मिला है क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इनका नाम पड़ा है इनके डायरेक्शन के बेसिस पे, राइट, इनका नाम पड़ा है इनके डायरेक्शन के बेसिस पे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि भाई नेट एक्सीलरेशन हमारा हो गया क्या, एसी वेक्टर प्लस एटी वेक्टर। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन सीधा सीधा दिया कि फाइंड द एक्सीलरेशन इन दिस सर्कुलर मोशन, मैंने मेंशन नहीं किया है कि वो सेंट्रीपेटल की बात कर रहा या टेंजेंशियल की बात कर रहा, मैंने सिर्फ बोला कि फाइंड द एक्सीलरेशन। तो मैं किस एक्सीलरेशन की बात कर रहा, सेंट्रीपेटल की या टेंजेंशियल की, मैं बात कर रहा नेट की, क्योंकि सेंट्रीपेटल या टेंजेंशियल कोई सगा थोड़ी है मेरा, राइट, रिश्तेदार की ये फेवरेट है ये निकालो। अगर सिर्फ बोला हुआ है कि फाइंड द एक्सीलरेशन, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें दोनों एक्सीलरेशन को क्या करो, फाइंड करो और उसका क्या निकालो, नेट निकालो। अगर एक ही एक्सीलरेशन है तो वही हमारा नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा, है ना, इस पे हम थोड़ी देर में भी चर्चा करेंगे। मान लो मैंने तुम्हें सिंपल से एग्जांपल दे दिया, राइट, मान लो मैंने क्या कर दिया, इस जगह पे एक सिंपल से एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल मैंने बोला कि भाई सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास। अगर सेंट्रीपेटल बोल दिया मैंने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंजेंशियल बोल दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना है एक्सेलरेशन की वैल्यू या मैग्नीट्यूड निकालोगे एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भूल के भी आंसर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं देना है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और सेंटर और टेंजेंशियल में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, जिनकी वजह से उसका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट जैसा, और रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो। अरे आया समझ में, राइट। कुछ चीज देखो बेटा, जरा
अभी भी लिखना नहीं है, पहले समझो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें मिला है बिकॉज वेलोसिटी मिला, और वेलोसिटी के आने का रीजन है क्योंकि आर का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, आर का मैग्नीट्यूड चेंज। तो सिंस आर जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, इसलिए हमें मिला वेलोसिटी, और इसलिए मिला हमें क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला क्योंकि अल्फा मिला, और अल्फा हमें मिला है क्योंकि ओमेगा बदल रहा था, और ओमेगा का क्या बदल रहा था, मैग्नीट्यूड। तो ये हमें मिल रहा है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये मिल रहा है बिकॉज मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर डायरेक्शन क्या हुआ, वेलोसिटी का चेंज हुआ, जो कि होगा ही, हमें क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल। अगर किसी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंशियल, जो कि हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं, इसका उल्टा कहने का मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम एक तरीके से हो गया वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलना। डायरेक्शन बदला तो सेंट्रीपिटल मिला। मैं बोल सकता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या हो गया, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलना। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये भी बोल सकता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या हो गया, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना। तो एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। हम चाहें तो इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है ये, राइट? तो इस पूरे पार्ट को पहले तुमको यहां नोट करना है, जो मैंने यहां पे क्या क्या समझाया है कि किसका काम क्या होता है, कौन किस में मिलेगा, इसको मैं एक चार्ट बनवा के दोनों साइड क्या कर दूंगा, लिखा दूंगा। देखो बेटा, तो एक तरफ तुम्हें क्या करना है, लिखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरी तरफ लिखना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। राइट, बनाओ इसको करो और लिखते जाओ। एक तरफ लिखना है सेंट्रीपिटल और दूसरी तरफ लिखना है क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल की तरफ में लिखना है इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर, इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर। जबकि टेंजेंशियल तरफ लिखना है its direction is along the tangent। सेकेंड लिखना है सेंट्रीपिटल में it is responsible for changing the direction of velocity, it is responsible for changing the direction of velocity। tangential mein likhna hai it is responsible for changing the magnitude, it is responsible for changing the magnitude of velocity। तो ये magnitude part को क्या करता है, change करता है। ये किसको change करता है, direction। अब एक चीज और सुन लो, अभी तीसरा point लिखने से पहले, अगर मैं बात करूं uniform circular motion की, तो uniform circular motion में velocity का direction change होगा या नहीं होगा, direction तो change होगा, क्या magnitude change होगा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिंस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर बात करें किसके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, राइट? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल भी मिलेगा और टेंजेंशियल मिलेगा। हमें यह समझ में आया कि सर्कुलर मोशन कैसा भी हो, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन तो वेलोसिटी का बेटा बदलेगा ही बदलेगा। अगर पार्टिकल हल्का सा भी घूमा
तो डायरेक्शन तुरंत क्या होगा, चेंज होगा। और डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा वैसे ही क्या मिलेगा हमें, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। मतलब सीधा सीधा हो गया कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हर टाइप के सर्कुलर मोशन में हमें मिलेगा, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ किस में मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जहां पे मैग्नीट्यूड चेंज। अगर पंखा बहुत देर से चल रहा है तो सिर्फ सेंट्रीपेटल मिलेगा, लेकिन पंखे को जस्ट चालू किया है या चालू पंखे को जस्ट बंद किया है तो सेंट्रीपेटल एज वेल एज टेंजेंशियल दोनों ही मिलेंगे। तो अगला पॉइंट लिखना है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन both uniform and non uniform circular motion, both uniform and non uniform circular motion। tangential में लिखना है, it is only present in non-uniform circular motion, it is only present in non-uniform circular motion, clear है ये? एक point हमें सिर्फ centripetal के लिए क्या करना है, लिखना है, rest is centripetal के लिए लिखना है, work done by centripetal force is always zero. Work done by centripetal force is always zero. Right? तो जिधर acceleration उधर ही क्या होगा, force होगा, बस mass से क्या करना है, multiply करना है। अब समझो बेटा, जैसे मान लो हमने क्या किया, इस तरह से लिया और हमने बोला एक mass है, तो centripetal force किधर लगेगा, towards the center, और इसका displacement vector हम लेंगे along the tangent, दोनों के बीच का angle कितना, तो हमने कहा कि भाई theta की value कितनी है, 90 degree। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, अगर हम यहां पे लिख देंगे एफ एस कॉस 90 तो कॉस 90 की वजह से वर्क डन कितना जाएगा, जीरो। अब वो तुमको कौन कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो बहुत सारे डेटा वगैरह दे देगा कि राइट, मान लो जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि सन है उसका मास इतना है, प्लेनेट है या अर्थ है उसका मास इतना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, टाइम पीरियड इतना है रेवोल्यूशन का, जब वो 1/4 मोशन कंप्लीट कर लेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना। बेटा ग्रेविटी किधर लग रहा है, टूवर्ड्स दी सेंटर, क्या कहलाएगा, वर्क डन जीरो। तो कभी कभी बहुत सारे एक्स्ट्रा डेटा देता है, इसको बोलते हैं डमी डेटा, कई क्वेश्चन में एक दो डेटा एक्स्ट्रा देता है कि तुम उसको यूज करो जिसकी जरूरत नहीं और कुछ ना कुछ गलत आंसर लाओ, या कई बार खूब सारे डेटा दे जबकि आंसर क्या होता है, जीरो। जब वर्क पावर एनर्जी में हम क्या करेंगे, जीरो वर्क डन वाला केस देखेंगे, तो उस टाइम पे भी एग्जांपल हम देखेंगे कि वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। लिखो जरा इसे, उसे लिखना है, इसे नहीं जो मैं लिख रहा हूं यहां पे। अगर इसमें टेंजेंशियल देखोगे तो बेटा टेंजेंशियल फोर्स उधर ही होगा जिधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो अगर टेंजेंशियल फोर्स प्रेजेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, अगर प्रेजेंट ही नहीं होगा फोर्स या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वर्क डन नहीं होगा, वो अलग केस है ना, इसलिए उसको हम यहां नहीं लिख रहे, सिर्फ इसको इतना लिखा है, क्लियर है ये। जैसे यहां पर मैंने 3-4 फोर्सेस क्या किए लिखे हैं, राइट, ऐसे लिखा हुआ है, और मैंने तुमसे बोला कि तुमने वो गेम खेला फाइंड द ऑड वन आउट, और मैंने तुमसे सेम वही क्वेश्चन यहां पर किया, Find the odd one out. जो सबसे इसमें odd है, जो सबसे अलग टाइप का फोर्स है उसको तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। एक ग्रेविटेशनल दिया हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स दिया, सेंटीपेटल फोर्स हमने अभी जस्ट पढ़ा है, वो हमने लिख लिया है ना, फ्रिक्शन लिखा हुआ है, नॉर्मल फ्रिक्शन लिखा हुआ है, इस तरह से कई इसमें क्या है वो लिखे हुए है ना, सबसे odd, सबसे अलग, याद करो बचपन में खिलाते थे 4-5 अलग अलग के प्रकार के अलग अलग टाइप के क्या करते, ड्राइंग करते थे, बोलते सबसे ऑड कौन सा है, हाँ
चलो, सबका अपना अपना आंसर हो सकता है, सबका अपना अपना रीजन हो सकता है ना। मैं सिर्फ यहां पे देखना चाह रहा हूं किसका क्या आंसर और क्या रीजन हो सकता है। कोई ऐसा जिनका है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें सबसे ऑड है, सबसे अलग है? क्या बेटा? वही मैं पूछ रहा हूं, किसी के बेसिस पे तुम अपना रीजन प्रोड्यूस कर सकते हो, तुम अपना रीजन प्रोवाइड कर सकते हो कि सर ये ऑड है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो कोई ऐसा जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे किसी का रीजन हो सकता है सर ये सबसे वीक फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कुछ अपने अपने रीजन हो सकते हैं, ठीक है कोई नहीं। कितने ऐसा सेंट्रीपेटल फोर्स जस्ट अभी पढ़ाया है यही ऑड होना चाहिए। हाँ, शर्माना क्या इसमें, बेशर्मों की तरह अकेला क्यों बेटा? बाकी सारे फोर्सेस दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, फ्रिक्शन में भी दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, सारी बोल रहा है न्यूक्लियर फोर्स में भी दो है न्यूक्लियर, ठीक है चल ठीक है, अपना अपना रीजन है, ठीक है बढ़िया। फ्रिक्शन फोर्स कितने कह रहे सर फ्रिक्शन फोर्स में सबसे ऑड है, क्यों? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव नहीं बोलते, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली नेगेटिव। अभी जब हम फ्रिक्शन पे आएंगे और वर्क डन पे आएंगे हम देखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव भी हो सकते होते कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी गलती करो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे उससे। कोई और रीजन? मोशन का अपोज करता है, ये भी अगेन हम नहीं बोलते। फ्रिक्शन के लिए हम ये नहीं बोलते कि मोशन का अपोज करता है, हम बोलते हैं जनरली मोशन का अपोज करता है या हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, पर कोई दिक्कत नहीं। मैंने फ्रिक्शन अभी पढ़ाया नहीं, मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे क्लियर होगा, ठीक है। और कोई रीजन? सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर लगते हैं, ग्रेविटेशन कैसे परपेंडिकुलर लगता है? देख ये एम वन मास है, ये एम टू मास है, ये परपेंडिकुलर कैसे लग रहा है अगर अट्रैक्टिविटी फोर्स लग रहा है तो, ठीक है अपना अपना रीजन। और कौन कह रहे हैं फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को अलग बोलने का सबसे मेन रीजन, सही है कि गलत है वो मैं नहीं बोल रहा, सबसे मेन रीजन तो दिया ही नहीं किसी ने अभी तक, क्या है बेटा? नॉर्मल एक्शन भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, मारा एक खींच के तरह ओनली 180 डिग्री में लगेगा। नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, फ्रिक्शन ओनली 180 डिग्री में, इंक्लाइन प्लेन ले लेंगे 180 पे नहीं लगता है यार उसमें कुछ। हाँ गुड, फ्रिक्शन में सर्कुलर मोशन नहीं होगा, मैं अभी करवा के दिखा रहा, अभी जस्ट करवा के दिखा रहा। एनीवे अरे देखो मैंने किसी को ये नहीं बोला कि नहीं तुम क्यों ऐसे गलत आंसर दे रहे हो, सबका अपना अपना है, मुझे जानना है जितना तुम गलत आंसर दोगे उतना हम सुधारेंगे, पर होगा सर्कुलर मोशन भी होगा फ्रिक्शन में भी होगा। और हाँ, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सबसे मेन रीजन पता तुम, अगर तुम अपने नॉलेज के हिसाब से अपने उसके हिसाब से फ्रिक्शन को अलग इसलिए बोल सकते थे कि सर ये अकेला ऐसा फोर्स है जो एनर्जी का लॉस कराता है, अकेला ऐसा फोर्स है जो रेसिस्टिव फोर्स है जो एनर्जी का हमेशा क्या कराएगा, लॉस कराएगा, ये एक रीजन तुम बोल सकते थे, है ना। मैं भी ये नहीं बोल रहा कि कौन सा हॉट है कौन सा क्या है गलत है, पर ये एक बढ़िया रीजन तुम दे सकते थे कि सर अकेला ऐसा फोर्स है जो हमेशा एनर्जी का क्या कराएगा, लॉस कराएगा, रेसिस्टिव फोर्स अकेला इसमें यही है, ठीक है। कितने कह रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स सबसे अलग है सर? गुड, वेरी गुड, मेरे को ये आंसर सुनना था। हाँ क्यों बेटा? किसके लिए? हाँ हाँ जितना मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो गया होगा, मैं रिपीट कर दे रहा, जो शायद ये बोलना चाह रहा है वो ये कि सर अगर इन बाकी में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा नहीं होता, जब हम वर्क डन पढ़ते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं क्यों गलत दे दिया कुछ भी नहीं, ठीक है अपना अपना पॉइंट देना, जब हम वर्क डन पढ़ते हैं और लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा तो क्या एफ में स्टार मार्क लगा के नीचे लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये न्यूक्लियर फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हमने ना, तो ये लॉजिक नहीं यहां पे लगा सकते हैं, पर कोई बात नहीं अच्छी कोशिश थी। हाँ बेटा, सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स,
और ये क्या है, डिपेंड करता है किस पे, राइट। एक लिमिट से अगर कम हो गया तो ये रिपल्सिव हो जाएगा, और लिमिट से ज्यादा हुआ तो, राइट, न्यूक्लियर फोर्स। तुम बोल सकते हो कि सर ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। कितने कह रहे हैं सर नॉर्मल रिएक्शन, कितने कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, हाँ बेटा क्यों, क्या बढ़ाता है घटाता है। बढ़िया, मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है। मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो बोलना चाह रहा है वो ये कि जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, राइट, तो नॉर्मल एक्शन, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू बढ़ सकती है घट सकती है, वो ये बोलना चाह रहा है, पर उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। एनीवे, ठीक है, सबके अपने अपने आंसर है, पर अगर मुझे सच में देखना पड़े तो ये क्यों के ऐसा, मैं बता रहा भैया, एटलीस्ट बाकी फोर्स तो है, ये फोर्स ही नहीं है। हाँ, राइट, बाकी एटलीस्ट फोर्स तो है, फ्रिक्शन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स तो फोर्स ही नहीं है। लेकिन सर सेंट्रीपिटल के सामने तो फोर्स लगा हुआ है, तो कैसे कैसे नहीं, तो बेटा गुलाब जामुन में तो गुलाब लगा हुआ है। कौन सा गुलाब मिल जा रहा है तुमको वहां पे, और कौन से जामुन खा रहे हो, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स, लेकिन सर हमको ऐसा नहीं लग रहा, लग रहा शायद आप गलत पढ़ा रहे हो। समझो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का सिर्फ एक मीनिंग होता है, ऐसा फोर्स जो लगे सेंटर के तरफ। कोई भी ऐसा फोर्स जो सेंटर के तरफ लगेगा वही कहला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे बताओ, क्या आज तक अगर मैं तुमको बोलूं डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या डाउनवर्ड फोर्स अपने आप में कोई फोर्स है क्या? क्या कभी मैं आगे ऐसे बोलूंगा आज हम डाउनवर्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफाइन व्हाट इज डाउनवर्ड फोर्स। अरे बोलो, क्या डाउनवर्ड फोर्स जैसा कोई फोर्स होता है? कोई एक्चुअल फोर्स होगा जो किधर लगेगा, नीचे के तरफ में, वही क्या कहला जाएगा। मैं बोल सकता हूं कि भाई इस पे फिलहाल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या अपवर्ड फोर्स जैसा कोई फोर्स होता है? अरे बोलो, क्या अपवर्ड फोर्स जैसा कोई फोर्स होता है क्या? नहीं। कोई एक्चुअल फोर्स होगा जो किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, और वही क्या कहला जाएगा, अपवर्ड फोर्स। जैसे नॉर्मली मैं बोल सकता हूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मुझ पे ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, किधर, ऊपर की तरफ, तो वही नॉर्मल रिएक्शन किधर क्या हो गया, अपवर्ड फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का सिर्फ एक मीनिंग होता है, ऐसा फोर्स जो किधर लगे, टुवर्ड्स द सेंटर। और जो भी रियल फोर्स, जो भी एक्चुअल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, वही क्या कहला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमने सीखा कि भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, मतलब ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा, वो हर टाइप के सर्कुलर मोशन में पाया जाएगा, चाहे वो मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। अगर सर्कुलर मोशन हुआ तो कोई ना कोई एक्चुअल फोर्स होगा जो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तुम उठा के देख लो कितने भी टाइप के, कोई भी सर्कुलर मोशन तुम क्या कर लो, उठा के देख लो, कोई ना कोई रियल फोर्स तुमको मिल जाएगा, कोई ना कोई एक्चुअल फोर्स मिल जाएगा जो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। या कोई रियल फोर्स का कोई कंपोनेंट लग सकता है टुवर्ड्स द सेंटर, या मोर देन वन फोर्स के कॉम्बिनेशन लग सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, बट एक्चुअल फोर्स या रियल फोर्स तो सीन में आएगा ही आएगा। ये जो पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक तरीके से पूरे फिजिक्स में जहां जहां सर्कुलर मोशन आने वाले हैं उसका क्या है, कोर कॉन्सेप्ट है। तो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, चार्ट बना के लिख ले रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट। हम देख रहे हैं अलग अलग टाइप का सर्कुलर मोशन, और हम उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि उस सर्कुलर मोशन में कौन सा ऐसा एक्चुअल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा, जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन है, राइट। तो हम यहां बोल सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन, सन के चारों तरफ पूरे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। कौन सा वो फोर्स होगा जो कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगे, सन के तरफ लगेगा, तो वही कहला जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ऐसे मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सेंट्रीपेटल,
ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा हो जाएगा सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, चाहे तो हम ऐसा बोल सकते। मान लो मैंने बोला मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, राइट? एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये वर्क करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो मैंने बोला एक पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे घुमा रहा, तो सर्कुलर मोशन तो बेटा यहां भी हो रहा है ना। तो हमने लिखा मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक धागे से बांध के पत्थर को क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। सर्कुलर मोशन तो यहां भी हो रहा है। कौन सा फोर्स होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा? टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, राइट? टेंशन को हिंदी बोलते हैं तनाव। जैसे हम इसको घुमाना शुरू करते हैं, जो रस्सी होती पूरी तरह से क्या हो जाती? तन जाती है। अगर हमने उससे ज्यादा उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपेक्ट की, ज्यादा तेजी से घुमाया, जितना टेंशन वो बियर कर सकता है उसके लिमिट से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही वो रस्सी ब्रेक होगा, क्या पत्थर घूमता हुआ दिखेगा हमें? नहीं। क्या रस्सी में किसी टाइप का टेंशन होगा? नहीं, वो सीधा नीचे झूल जाएगा, है ना। तो जैसे इसको घुमाना शुरू करते हैं, रस्सी में जो टेंशन होता है वही प्रोवाइड करता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। किसी और टाइप का मोशन याद आ रहा है सर्कुलर में? मान लो मैंने बोला कि इस टाइप का मेरे पास सर्कुलर पाथ है, राइट? ऐसे रास्ता, एक गोल गोल सा रास्ता है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? बहुत तेज से गाड़ी चला रहे हैं इस तरह, तो ये भी तो सर्कुलर मोशन हो गया, राइट? हम लिख रहे हैं मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ सर्कुलर ट्रैक। तो बेटा यहां भी राइट मोशन कैसा हो रहा है? सर्कुलर। कौन सा वो है, क्या बोलते, सॉरी, फोर्स है, कौन सा रियल फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा? देखो जरा, कौन सा वो फोर्स है जो किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगेगा? नॉर्मल एक्शन नहीं लगेगा बेटा। जैसे ये सर्कुलर पाथ और इसमें गाड़ी ऐसे चल रही है, तो नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ लगेगा जो उसके वेट को बैलेंस करेगा, सेंटर की तरफ नहीं, राइट? तो वेट अगर अंदर की तरफ लगेगा तो नॉर्मल एक्शन बाहर है, ये हो गया सेंटर, राइट? और इधर कौन लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, उस टाइम पे समझेंगे। बट फिलहाल ये समझो कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में घूमता है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ फिसलने की, और फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी होती है जिधर भी टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये बाहर फिसलना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको एक तरीके से अंदर की तरफ खींच रहा है, बांध के रख रहा है। तुम खुद इस चीज को समझो, अगर बरसात के टाइम पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर ये फ्रिक्शन सफिशियंट नहीं हुआ कि इसको बांध के रखे सेंटर की तरफ, तो गाड़ी बाहर स्किड कर जाती है। बारिश के टाइम पे तुमने ऐसा देखा भी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो उसको बांध के रखना चाहिए, जो सेंटर की तरफ रखना चाहिए, वो अब सफिशियंट नहीं है। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। और किसी टाइप का सर्कुलर मोशन जो तुमको याद आ रहा है, किसी भी टाइप का तुम सर्कुलर मोशन देख लो, उसमें कोई ना कोई रियल फोर्स होगा जो किधर लगेगा? सेंटर के तरफ। मौत का कुआं नाम सुना है तुमने? हाँ, अरे फिजिक्स क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअल मौत का कुआं जो होता है, मौत का कुआं देखा है? सुना, देखा है तुमने? कितने जिन्होंने नाम ही नहीं सुना आज मौत का कुआं, कितने जिन्होंने कहीं नहीं देखा, YouTube वगैरह या रियल में ऐसा करके कभी देखा ही नहीं है? देखा है सब लोगों ने कहीं ना कहीं, राइट? या तो ओरिजिनल में या तो YouTube में, राइट? मौत का कुआं, राइट? एक वेल रहता है जमीन के नीचे में, कुआं बना होता है, और उसके वॉल पे गाड़ी इस तरह से चल रही होती है, राइट? वॉल पे गाड़ी चल रही होती है। तो बेटा सर्कुलर मोशन तो यहां भी हो रहा है। कौन सा ऐसा फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है? कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा फोर्स होगा जो क्या लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि यहां पे गाड़ी चल रही है, इस वॉल पे गाड़ी ऐसे चल रही है, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, उसके सेंटर की तरफ।
मैंने इस चैप्टर को शुरू करते साथ बोला था, इस चैप्टर को जब तुम पढ़ोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट तुमको थोड़े से मिसिंग से लगेंगे। जैसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताया मैंने, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बताया, इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। ये दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो इस चैप्टर के बाद आते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा क्या करते जा रहा है, मैं समझाते भी जा रहा कि नॉर्मल रिएक्शन वगैरह क्या होता है, बट डिटेल कॉन्सेप्ट इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में क्या करेंगे सीखेंगे। अब अगर तुमको ये समझ में आ गया, तुम पूरे फिजिक्स में से कहीं से भी सर्कुलर मोशन उठा लो, चाहे चार्ज को इंटर करा दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, फिर भी सर्कुलर मोशन होता है। कोई ना कोई रियल फोर्स तुमको मिलेगा जो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देखेंगे जो एम वी स्क्वायर बाई आर जैसा आएगा। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको अगर ये पता चल रहा है कि हाँ भाई हमारे पास जो मोशन है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो तुम वहां पर इक्वेट कर दोगे जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर को किससे, एम वी स्क्वायर बाई आर से। तुमको ऐसा लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्या सेंट्रीपेटल फोर्स, तुम वहां पे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर को इक्वेट कर दोगे किससे, एम वी स्क्वायर बाई आर से। तुमको लगेगा टेंशन क्या कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन को इक्वेट कर देना है, फ्रिक्शन को इक्वेट कर देना है, नॉर्मल रिएक्शन को इक्वेट कर देना है। अल्टीमेटली तुमको बस ये ढूंढ के निकालना है कि कौन सा वो फोर्स है, कौन सा वो एक्चुअल फोर्स है जो प्रोवाइड कर रहा है क्या सेंट्रीपेटल फोर्स, उसको इक्वेट कर देंगे हम किससे, एम वी स्क्वायर बाई आर से, और वहीं से हमारा डेरिवेशन चालू हो जाएगा। क्लियर है ये? ये पॉइंट चाहे ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, चाहे नॉर्मल कोई और दूसरे टाइप का चैप्टर पढ़े, हर जगह पे कहीं ना कहीं आता ही रहेगा। आई बात समझ में? गुड, नोट करो बेटा इसको। देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्कशन हम और करेंगे। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, हमारे पास फॉर्मूला आया एसी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अगर हम इसको लिखना चाहें किसके रूप में, किसके फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं एसी इज इक्वल टू ओमेगा वी साइन थीटा। बट अगेन अगर तुम क्या करो ध्यान से देखो, तो बेटा वेलोसिटी होगा कैसा, टेंजेंशियल, राइट, ये टेंजेंशियल एक्शन में, और जो ओमेगा होगा या तो डॉट या तो क्रॉस, मतलब इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर। तो ओमेगा इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर है और जो वी है वो इस प्लेन में है, मतलब ओमेगा और वी के बीच का डायरेक्शन, सॉरी एंगल हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। तो हम यहां से कहेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, और ऐसा हमेशा होगा। और अगर ऐसा हमेशा है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा और सीधा सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा क्या, ओमेगा वी। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, ओमेगा वी। इन कुछ लोगों को लग रहा है सर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, राइट, फैमिलियर नहीं लग रहा। तो इसी को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। याद करो हमने एक फॉर्मूला सीखा है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर का, वी इज इक्वल टू ओमेगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन में अगर मैं वी को क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं किससे, ओमेगा आर से, तो यही फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मुझे, ओमेगा स्क्वायर आर, ये मिल जाएगा मुझे ओमेगा स्क्वायर आर। या फिर तुम चाहो तो ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हो किससे, वी बाई आर से। तो यही हो जाएगा जब ओमेगा को रिप्लेस करोगे किससे, वी बाई आर से, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या, वी स्क्वायर बाई आर। अगर कभी सेंट्रीपेटल फोर्स निकालना हुआ तो बस करना क्या है, मास को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से। तो फॉर्मूला जाएगा एम ओमेगा वी या एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मुझे दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, एक दिख रहा है वी स्क्वायर बाय आर जिसमें रेडियस है। क्वेश्चन है कि अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो कितने कह रहे हैं सर डबल हो जाएगा, अगर रेडियस को हमने डबल कर दिया तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक, कौन, ठीक है बेटा। कितने कह रहे सर अगर डबल कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, कि अगर हम रेडियस को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितने ऐसे, ठीक, कितने हैं जो कह रहे सर चेंज नहीं होगा,
रेडियस को डबल करने से जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होगा। बढ़िया, इनमें से किसी और का कुछ आंसर? सर अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो डबल हो जाएगा और ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हाफ हो जाएगा, ऐसा कितने कह रहे हैं? सर इसको यूज करेंगे तो डबल हो जाएगा, इसको यूज करेंगे तो, भाई मुझे सिर्फ ये बता दे कब मैं इसको यूज करूंगा, कब इसको यूज करूंगा। एग्जैक्टली आंसर है हमारा फोर्थ। अगर इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो डबल, और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्वेश्चन आता है सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो समझो एक चीज को बेटा, समझो तुम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तब तक नहीं बोल सकते जब तक ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो। बिल्कुल इसी तरह से इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तुम तब तक नहीं बोल पाओगे जब तक वी कांस्टेंट ना हो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन तब लगता है जब बाकी टर्म क्या हो, कांस्टेंट हो। याद करो तुम ऐसे लिखते हो कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसी तरह से अगर कांस्टेंट को हटाओगे तभी क्या लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन, तभी प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा। मतलब सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, वो इस बात पे सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि ओमेगा कांस्टेंट है या वी कांस्टेंट है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ओमेगा कांस्टेंट है या वी कांस्टेंट है? तो दो केसेस बता दे रहा बेटा, एक ओमेगा कांस्टेंट वाला और एक वी कांस्टेंट वाला। उससे तुम क्या कर सकते हो, बाकी और रेफरेंस क्वेश्चन आएंगे, बाकी दूसरे क्वेश्चन आएंगे, तो तुम खुद एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो कि कैसे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो दो अलग अलग केस बता दे रहा, राइट? पहले केस में मान लो मैंने इस तरह से लिया कि एक रस्सी ली, उससे एक मास को यहां पे क्या कर दिया, टाई कर दिया। फिर वहां से एक और रस्सी ली, एक और मास को टाई कर दिया। लेट से मैंने बोला ये ए है और ये बी है, ये सेंटर है, इसी से मैं चारों तरफ क्या कर रहा, इसको ऐसे घुमा रहा। देख के हमें समझ में आ जा रहा है कि भाई ए का रेडियस क्या है, कम, और बी का रेडियस क्या है, ज्यादा। दोनों में मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसके लिए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कम है और किसके लिए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ज्यादा है, राइट? दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है। अब मुझे मेन ये पता करना है कि फॉर्मूला कौन सा मैं यूज करूंगा। समझो बेटा इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है। मैंने बोला लेट से एट टी इक्वल टू जीरो यहां पे थे, जैसे ही मोशन शुरू हुआ ये दोनों घूमना शुरू करेंगे और ये घूमते घूमते यहां पहुंच गया। ठीक उसी टाइम पे ये घूमते घूमते यहां पहुंचा, ये इस तरह का आ गया, राइट? अब बताओ दोनों मास को ए और बी को यहां से यहां तक पहुंचने में सेम टाइम लगेगा या अलग अलग टाइम लगेगा? टाइम दोनों को सेम लगेगा, राइट? दोनों ऐसे एक साथ घूम रहे हैं, तो हमने बोला एट टी टाइम ये यहां पहुंच गए। अब टाइम दोनों को सेम लगा है, लेकिन उस सेम टाइम में क्या दोनों का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है, राइट? एक का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये, लेट से डीएस वन बोल दिया मैंने, और दूसरे का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये डीएस टू। सेम टाइम में अलग अलग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। यार सीधी सी बात है, मान लो यहां पे मैं खड़ा हूं, मेरे बगल में कोई और पर्सन खड़ा हुआ है, एक सेकेंड में मैं 10 मीटर आगे आ गया, पर ठीक उसी एक सेकेंड में ये 6 मीटर आगे आ गया, तो दोनों की वेलोसिटी सेम या अलग अलग? अलग अलग, राइट? मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो सेम टाइम में दोनों का लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग है। इसलिए हम कहेंगे कि जो वी है वो कैसा है, वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को कंपेयर करने के लिए वी स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना चाहिए। बट सेम टाइम में अगर मैं दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इसने कितना एंगल बनाया, इसने कितना एंगल बनाया, तो वो क्या है, सेम। सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बताएगा कि दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हमने बोला वी इन दोनों के लिए, ए और बी के लिए क्या है, कॉन्स्टेंट, जिसकी वजह से हमें यूज करना चाहिए क्या, ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय। सिंस ओमेगा कॉन्स्टेंट है, हम कह सकते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कंपेयर करके बोलेंगे सिंस आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, देयरफॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर मास बी शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर मास
ए। अरे आया समझ में? तुम जब इसको नोट करोगे तो सिर्फ इतना नहीं नोट करना है, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि महीने भर बाद तुम फिर क्या करोगे, भूल जाओगे। तुमको प्रॉपर नोट करना है इस पूरे पॉइंट को लिखते हुए कि सेम टाइम में दोनों का लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग है, जिसकी वजह से लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, बट ठीक उसी सेम टाइम में दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है दोनों के। एक और केस ले ले रहे हैं, राइट, जिसमें लीनियर वेलोसिटी तो क्या है, सेम है, बट एंगुलर वेलोसिटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, किस एग्जाम में आया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। कुछ इस तरह का है कि मान लो ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, एक मास यहां से यहां तक मूव कर गया, राइट, मैंने बोल दिया कि भाई टी इक्वल टू जीरो पे ये मास यहां था और एट टी ये मास यहां पहुंच गया। अब बोला है इस मास के लिए हमें क्या करना है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है, बट अलग अलग पॉइंट को सेंटर लेते हुए। एक के लिए बोला है कि इसके एक्चुअल सेंटर को क्या लो, इसके लिए सेंटर लो, और बोला है यहां पे इस जगह पे एक पॉइंट ले लो और उसको सेंटर मानते हुए, राइट, ऐसा मानो कि ये इसके लिए क्या है, सेंटर, और इसके लिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या करो, कंपेयर करो, है ना। मान लो ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट क्या है, पी है। अब मुझे दिख रहा है अगर मैं इसको सेंटर मानूं इतने मोशन के लिए, इसको ज्यादा मोशन के लिए देख पाएंगे, छोटे से मोशन के लिए देख पाएंगे, तो मुझे ये रेडियस तो ज्यादा दिख रहा है, किसके कंपैरिजन में, इस रेडियस। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि पी को सेंटर मानते हुए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और क्यू को सेंटर मानते हुए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, देखना है और कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। दोनों को जब हम सेंटर मान रहे हैं तो दोनों के लिए रेडियस क्या है, अलग अलग है। अब मुझे जानना है कि कौन सा फॉर्मूला मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। मैंने बोला देखो यहां से यहां तक आने में इसको टाइम सेम लगा है, अब चाहे तुम क्यू से देखो चाहे पी से देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो पी के रेफरेंस में देखोगे तो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, क्यू के रेफरेंस में देखोगे तो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, उतना ही है। तो सेम टाइम में सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, सेम टाइम में सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, सेम, राइट, लीनियर वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे कि लीनियर वेलोसिटी दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट। तो हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए वी स्क्वायर बाय आर का। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू क्यू और विद रिस्पेक्ट टू पी देखोगे तो दोनों के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा, अलग अलग। दोनों के लिए जो एंगल है वो क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। एक के लिए दिख रहा है डी थीटा वन तो दूसरे के लिए दिख रहा है डी थीटा टू, दोनों के लिए एंगल क्या है, अलग अलग। सेम टाइम में अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल है तो हमें ओमेगा स्क्वायर बाय आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर का फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए इसको कंपेयर करने के लिए। अरे आया समझ में? इसको भी प्रॉपर तरीके से तुमको क्या करना है, लिखना है कि सेम टाइम में सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो विथ रिस्पेक्ट टू पी देखे चाहे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू देखे, लेकिन सेम टाइम में अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जब हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू पी एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्यू देख रहे हैं। तो यहां बोलेंगे कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। देख के हम बता सकते हैं इसमें सीधा सीधा कि भाई आरपी क्या है, ज्यादा है, सिंस आरपी इज ग्रेटर देन आर क्यू, देयरफॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अबाउट पॉइंट पी शुड बी लेस देन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अबाउट पॉइंट। समझ में आए? जल्दी से नोट करो बेटा, लिख के उसको, या एक काम करो सिर्फ यहां तक नोट करो पहले, राइट, एक क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को भी मैं साथ में करवा दे रहा, बाद में तुम इनको आराम से अपना खुद नोट करते रहना ना प्रॉपर लैंग्वेज से। सिर्फ यहां तक नोट करो, एक क्वेश्चन भी करवा रहा। साइकिल चलाया सबने? पक्का? राइट, साइकिल का जो फ्रंट गियर होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है और जो रियर होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इनको गियर्स बोलते हैं। और इस तरह से वो चेन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ऐसे चेन से लगे होते हैं। फ्रंट गियर का रेडियस मान लिया, मान लो मैंने कितना, R1, और इसको मान लिया मैंने क्या, R2। देख के हम बता सकते हैं कि भाई R1 ज्यादा है किससे। क्वेश्चन सीधा सीधा ये आया है कि अगर हम मान लो क्या करते हैं, इस तरह से पैडल मार रहे हैं, पैडल ऐसे वो कर रहे हैं, तो किस गियर में, पहले वाले में या दूसरे वाले में, जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, फ्रंट वाले के लिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या रियर वाले के सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और इसका आंसर हम दे पाएंगे कि अगर हमें पता चल जाए कि दोनों के लिए वी कांस्टेंट है या दोनों के लिए ओमेगा कांस्टेंट है।
यही पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा। तो मुझे सिंपल सिंपल यही देख के बताओ कि भैया दोनों के लिए क्या कॉन्स्टेंट है, वी या ओमेगा। देखो बेटा, दोनों के साइज को अलग अलग बनाया ही इसलिए जाता है कि हम पैडल क्या करें, मारे एक बार, राइट, हमको एक बार पैडल मारना पड़े, एक पूरा रोटेशन हो, उतने ही टाइम में पिछला वाला गियर 3 से 4 बार घूम जाए। तो हमने क्या किया, अगर एक बार ऐसे पैडल क्या किया मारा, पूरा एक ही रोटेशन हमने पैर से किया, तो पिछला वाला जो गियर है वो 3 से 4 बार घूम गया। अगर वो 3 से 4 बार घूम गया तो उसके साथ साथ जो व्हील लगा है वो भी तो 3 से 4 बार घूमेगा। मतलब ये कि हम आराम से क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे पैडल मार सकते हैं और हमारी गाड़ी का जो व्हील है, हमारे साइकिल का जो व्हील है, वो ज्यादा तेजी से क्या कर सकता है, घूम सकता है। इसी पर्पस से इसको बनाया जाता है, इस वाले को, फ्रंट वाले को हमेशा बड़ा बनाया जाता है, इसको छोटा बनाया जा सकता है। मतलब अगर जितने टाइम में इसने एक रोटेशन किया है उतने टाइम में 2 से 3 बार रोटेट हुआ। तो दोनों का जो घूमने का वेलोसिटी है वो क्या है, अलग अलग। घूमने का वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट। और लीनियर वेलोसिटी क्या है, सेम है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जितना चेन यहां से रिलीज होगा उतना ही चेन इसमें क्या हो जाएगा, लपेटा जाएगा, लपेट जाएगा। समझ में आ रहा है, चेन का लेंथ एक तरीके से आर्क लेंथ बताया जा सकता है और आर्क लेंथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह है। तो अगर ये ऐसे घूमेगा तो जितना चेन यहां से फ्री होगा उतना ही चेन तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइंड होगा। तो दोनों का लीनियर वेलोसिटी क्या है, सेम है। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल याद रखो, दोनों के घूमने का वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। एक पंखा एक नंबर पे चल रहा है, एक 5 नंबर पे चल रहा है, घूमने का वेलोसिटी अलग है या नहीं, राइट। तो हम यहां पे बोलेंगे कि जो ओमेगा है वो क्या है, वेरिएबल। मतलब एसी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, आर को यूज नहीं करना है। वी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो हम यूज कर सकते हैं एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और सबको विथ एक्सप्लेनेशन लिखना है, बाद में नहीं तो भूल जाओगे बेटा। तो हम यूज करेंगे एसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिंस R1 ज्यादा दिख रहा है किससे, R2 से, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर 1 शुड बी लेस देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर 2। क्लियर है ये, राइट। ये हमने थोड़ा सा क्या किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे कब से, मंडे से, ठीक इसके आगे। इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्लियर। चलो इसको नोट कर लो बेटा।